2024 में हमें क्या डबलिन आना चाहिए, आयरलैंड एज अ प्लेस फॉर स्टूडेंट्स कैसे रहेगी, और फिर आयरलैंड आजकल इतना ज्यादा लोगों का चॉइस इसलिए बन गया है क्योंकि तो आयरलैंड में पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, अकोमोडेशन का सीन आयरलैंड में तो थोड़ा, फिर आयरलैंड का जॉब मार्केट। तो भाई एज ऑफ अक्टूबर 2023 वो ट्रिनिटी हो गया, यूसीडी हो गया, यूसीसी हो गया, एनयूआईजी, तो बेस्ट टाइम होता है अप्लाई करने का। आप जितना जल्दी एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, स्कॉलरशिप के बाद पूछनी थी वीजा कैसे होएगा, और बेस्ट बात ये वो आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, जीरो चार्ज होएगा उनका। गूगल फॉर्म की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल रहा हूँ, लेकिन कौन से कॉलेज में जाना है ये इन द एंड। अगर आपको ऐसे डाउट सेशंस का पार्ट बनना है तो studentinireland.com चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12th अक्टूबर और मेरा कॉलेज वगैरह तो चल ही रहा है, सब नॉर्मल चल रहा है। मास्टर स्टार्ट हो गई है मेरी, अभी लास्ट मैंने कौन सी डाली थी, फ्रेशर्स फेयरवेल डाली थी, तो फ्रेशर्स फेयरवेल डाली थी। और ना अभी 24 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे को studentinireland.com पे मैंने अभी वो भी करा था, अपना डाउट क्लियरिंग सेशन करा था, तो उसमें भी काफ़ी लोगों का सेम डाउट था, और बाकी जो इन्होंने नहीं ज्वाइन करा था उनके भी डाउट्स पड़ रहा था उस पर वेबसाइट पे। तो सबका एक कॉमन डाउट था कि 2024 में हमें क्या डबलिन आना चाहिए, कौन से कॉलेज अच्छे हैं, डबलिन आने का ROI कैसा है, और फिर स्कॉलरशिप मिलती है नहीं मिलती, बेस्ट टाइम कब होता है अप्लाई करने का, ये सारे बेसिक डाउट्स थे सबके। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा, और मोस्टली यही डाउट्स थे कब करें, कैसे करें, क्या करें, आयरलैंड आए ना आए, तो थोड़ा उस बारे में गाइड कर दो कि आयरलैंड जगह कैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ी आयरलैंड की बात कर लेता हूँ, लाइक आयरलैंड एज अ प्लेस फॉर स्टूडेंट्स कैसे रहेगी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और मेरे दोस्तों का भी एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लोगों से। यार आयरलैंड के लोग ना बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, अगर कोई भी यहाँ पे रहने आ रहा है, मतलब पढ़ने आ रहा है, तो उसे आयरिश कल्चर में अडेप्ट होने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, आयरलैंड एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए लास्ट कुछ ईयर में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहूँगा मैं आ रहे हैं, इंडियंस आ रहे हैं और भी बाकी कंट्रीज से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आयरलैंड एज अ प्लेस तो अच्छा है ही, और लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लाइक मतलब कोई ऐसा मैंने केस सुना नहीं है कि यहाँ पे किसी ने किसी बदतमीजी करी हुई, ज़्यादा केस सुनने में आते नहीं हैं। तो आयरलैंड के लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और फिर आयरलैंड आजकल इतना ज़्यादा लोगों का चॉइस इसलिए बन गया है क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बाकी यूरोप में स्पेन हो गया, स्पैनिश हो गई, फ्रांस फ्रेंच हो गई, और जर्मनी में जर्मन वगैरह, तो आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये पांच मेजर डेस्टिनेशंस मानी जाती हैं। तो आयरलैंड, कनाडा को तो पता होगा, कनाडा लोग जा नहीं रहे हैं, और यूएस का वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बचा यूके, यूके थोड़ा महंगा रहता है ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में, आयरलैंड यूरोप में है तो फिर ज़्यादा उसका वो चल रहा है आजकल। तो आयरलैंड आजकल बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो आयरलैंड के लोग बहुत अच्छे हो गए, काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली जगह हो गई, लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं होता। फिर तीसरी चीज़ आती है पार्ट टाइम जॉब्स का, लोगों को होता है कि हम आएंगे तो हमें पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, तो आयरलैंड में पार्ट टाइम जॉब ढूंढना बहुत आसान है, मैंने वीडियो बना रखी है कैसे ढूंढते हैं, मेरे दोस्तों के पास अभी दो दो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ करें वहाँ करें, तो ऐसा केस चल रहा है अभी यहाँ पे। तो पार्ट टाइम जॉब से काफ़ी लोगों का होता है कि उन्हें कितने पैसे मिल जाएंगे, कितने नहीं मिलेंगे, अपना कॉलेज का खर्चा निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो पार्ट टाइम वाली। फिर चौथी चीज़ आती है अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन का सीन आयरलैंड में तो थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आ रहे हो तो पहले से बुक करके आना, और बेस्ट टाइम बुक करने का रहता है जनवरी में, जब सारे अकोमोडेशन अपने रूम्स निकालती हैं। वही है, अभी मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका अगर आपकी एप्लीकेशन वगैरह जल्दी हो जाएगी तो आपका सब कुछ वीज़ा अकोमोडेशन वगैरह सब जल्दी जल्दी सॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अकोमोडेशन का वैसे थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन अगर आप टाइम से बुक कर दोगे, लाइक जनवरी दिसंबर एंड में बुक कर दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर आपका सॉर्ट सीन हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी से अपनी एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट कर दो, उस पर मैं आऊँगा भी नीचे आने वाला हूँ। फिर है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग आयरलैंड में थोड़ी हाई है, लेकिन यूके के कंपैरिजन में कम है, बाकी आप किसी कंट्री से लोगे तो आयरलैंड महंगा तो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज में से आयरलैंड एक आता है, तो खर्चा तो यहाँ पे हो जाता है, मैंने कितना खर्चा होता है क्या खर्चा होता है उसके अलग से एक वीडियो बना रखी है, प्रॉपर भी दो तीन वीडियो बना रखी हैं, मेरा वीकली कितना होता है, मंथली कितना होता है, वो सब मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं, तो वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। बाकी फिर वेदर, भाई वेदर तो आयरलैंड का बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, परसों अच्छी खासी मतलब गर्मी हो रही थी, 20-25 डिग्री तक टेम्परेचर था, अभी मैं बाहर होके आया हूँ, गैस करो टेम्परेचर कितना आएगा,
2 डिग्री है बाहर, 2 डिग्री। मैं नीचे गया था सेंटर तक, मेरे को लगा आराम से जाऊंगा, जैकेट पहन के नहीं है क्योंकि 25 डिग्री में गर्मी लग रही थी जैकेट में। अभी नीचे क्या भाई, ऐसी तेज तेज हवा चल रही है, 2 भाई जम गया, मैं तो फटाफट सामान लेकर आ गया। तो वेदर तो भाई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, तो तबीयत खराब होने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं ऐसे मिक्स वेदर में। लेकिन इतना तो अगर आप आओगे तो इतना अडेप्ट कर ही जाओगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ये वेदर हो गया। फिर आयरलैंड का जॉब मार्केट, तो भाई एज ऑफ अक्टूबर 2023 यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, हर फील्ड में जॉब्स हैं, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हैं, बिजनेस रिलेटेड हैं, ऑडिट, इंश्योरेंस, भाई मतलब जिस फील्ड का नाम लोगे उस फील्ड में अच्छी खासी जॉब्स हैं अभी यहाँ पे अवेलेबल। करियर फेयर लगातार हो रहे हैं, अभी कॉलेज में 3 हफ्ते से लगातार करियर फेयर चल रहा था, फिर कॉलेज में चल रहा था, और अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कॉलेज में आज भी एक करियर फेयर है, और एक ग्रैड आयरलैंड का भी फेयर हुआ था, उसमें बहुत सारी कंपनी से ग्रैड रूट्स खुले हुए हैं अभी। तो जॉब्स तो आयरलैंड में अभी भर भर के हैं, मोस्टली मैं जिन लोगों को जानता हूँ सबकी लग ही रही है या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के अंडर है वो भी, तो उनकी मोस्ट प्रोबेबली टच वुड लगी जाएगी। तो जॉब्स का ये स्कीम चल रहा है अभी यहाँ पे, और मिनिमम सैलरी तो 30K आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, 26K 28K ये मिनिमम होती हैं, फिर ऊपर तो आप 45, 50, 55 वो तो कोई लिमिट नहीं होती। तो जॉब का भी अच्छा खासा चल रहा है अभी यहाँ पे, जॉब ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक तो आयरलैंड की लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आयरलैंड की लोकेशन इस हिसाब से अच्छी है कि लंदन यहाँ से 45 मिनट्स की फ़्लाइट है, बाकी जर्मनी वगैरह स्पेन वगैरह की 50 मिनट्स की फ़्लाइट है, वरना आप 2 घंटे के अंदर पूरे यूरोप में किसी भी जगह पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीज़ा लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर वीज़ा आपके पास है तो भाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है आयरलैंड की, यहाँ से रायनेयर चलती है, बहुत सस्ती टिकट्स होती हैं, तो कनेक्टिविटी तो बहुत पसंद है मेरे को। तो ये हो गया आयरलैंड एज अ प्लेस कैसा है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट फ्रेंडली जगह है, मैंने बता दिया क्या क्या लोग कैसे हैं, खाना वगैरह, खाना खाने की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन खाना यहाँ पे मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, इंडियन स्टोर्स हैं, टेस्को वगैरह, और खाना इतना अगर आप रॉ मटेरियल लेके खुद बना रहे हो किचन में तो इतना महंगा पड़ता भी नहीं है, वो नॉर्मली रहता है। तो ये एक चीज़ हो गई। बाकी फिर आ जाते हैं कॉलेजेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, यहाँ के मेन कॉलेजेस तो मैं बताऊँ, एक सेकंड क्या है ये, हाँ तो मेन कॉलेजेस मैं बताऊँ, एक तो वो ट्रिनिटी हो गया, UCD हो गया, UCC हो गया, NUIG, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक। बाकी डबलिन के अंदर बताऊँ तो NCI भी अच्छा कॉलेज है, DBS हो गया, DCU अच्छा कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर, और जो मैंने पहले 5 बताए थे उनकी तो वर्ल्ड रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रिनिटी टॉप 100 में आता है, UCD टॉप 200 में तो आ ही रहा है, तो रैंकिंग में अच्छे। बाकी इनके बिजनेस स्कूल वगैरह, UCD का बिजनेस स्कूल काफ़ी अच्छा है, ट्रिनिटी का तो सब कुछ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी NCI वगैरह में सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स, मतलब कंप्यूटर साइंस के कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं माने जाते हैं, NUIG के बिजनेस कोर्स वगैरह अच्छे हैं। तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं आइलैंड में, बेस्ट बात यह है कि सब में इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और सबके बाद मोस्ट प्रोबेबली सबकी नौकरी लग जाती है, काफ़ी कम लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि नौकरी नहीं लगी वापस चले गए, मोस्टली सबकी नौकरी लग जाती है। तो ये कॉलेजेस के बारे में हो गया। और अगले साल मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगले साल सेप्टेम्बर के इनटेक की प्लानिंग कर रहे होगे आप लोग, तो अगले साल अगर आपको सेप्टेम्बर में आना है, फॉल में आना है, तो बेस्ट टाइम होता है अप्लाई करने का अभी। मोस्टली कॉलेजेस के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो खुल जाते हैं अक्टूबर एंड तक या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में, और जल्दी आप जितना जल्दी एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, जैसे सानाई जी की वीडियो देखी होगी आपने, MSc फाइनेंस करा था उन्होंने, तो वो कोर्स होता है स्टार्टिंग में 1-2 महीने में उनका पूरा कोर्स फुल हो जाता है, और अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो उसके फ़ायदे ही हैं कि आपके पास SOP वगैरह लिखने का बहुत टाइम है, अगर CV आप अच्छे से अपनी रिफाइन करके बना सकते हो। बाकी मेन चीज़ जो आपके जल्दी अप्लाई करने में होता है, वो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली जितने कॉलेज होते हैं सारे कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप जितनी जल्दी आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी आप स्कॉलरशिप की मतलब बातचीत कर सकते हो, उनसे देख सकते हो कहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, उसी हिसाब से आप अपना जल्दी से जल्दी कॉलेज फाइनल कर सकते हो। एक बार आपका कॉलेज फाइनल हो जाए तो आपका वीज़ा सॉर्ट हो जाएगा, अकोमोडेशन आप उस हिसाब से देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो बेस्ट टाइम मैं बोलूँगा आपके लिए अभी यही है अक्टूबर एंड, और मतलब वीडियो देखने के बाद आप अपना ये सब में स्टार्ट हो जाओ, वीज़ा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, अकोमोडेशन मिल जाएगा, भाई दिमाग से सरदर्द बहुत निकल जाती है अगर एक बार आपको कॉलेज फाइनल हो जाए ना कि हाँ मेरे को इस कॉलेज में जाना है, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो काफ़ी लोग मेरे से कंसल्टेंट का ये पूछ रहे थे कि कौन सा कंसल्टेंट लें और कैसे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, स्कॉलरशिप के बाद पूछनी थी वीज़ा कैसे होएगा,
मतलब बहुत सारे डाउट्स आते हैं इन सबसे रिलेटेड जो मैं काफ़ी बार नहीं बता पाता, जैसे स्कॉलरशिप का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, वीज़ा एप्लीकेशन का मैं करा है लेकिन मैंने 5 साल पहले करा था, 2019 में, तो मैं 5 साल ही मानूंगा उसे, मेरे 5 साल चल रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इतना एक्यूरेट नहीं बता पाता हूँ, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं तब सब तक, तो कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट करना काफ़ी सही रहता है। तो मैंने एक कंसल्टेंट से बात करी थी लाइक सबने सब्सक्राइबर्स के लिए, लाइक जो भी स्टूडेंट आइलैंड पर आता है, एक कंसल्टेंट से मैंने बात करी थी, वो सारे मतलब 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास, और आयरलैंड यूके वगैरह का मोस्टली देखते हैं वो, तो मैंने उनसे बात करी थी, तो वो आपके कॉलेज सिलेक्शन में और वीज़ा एप्लीकेशन में, स्कॉलरशिप में, हर चीज़ में आपकी हेल्प कर देंगे। कोई भी दिक्कत हो, लोन रिलेटेड दिक्कत हो रही है, मॉनेटरी दिक्कत हो रही है आपको, वीज़ा एप्लीकेशन में, मतलब हर चीज़ में हेल्प करेंगे आपको, और बेस्ट बात ये वो आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, 0 चार्ज होएगा उनका, तो ऐसा भी नहीं आपको पैसा वगैरह देना, आपके SOP लिखने में, CV बनाने में, और मतलब जो भी माइनर से माइनर दिक्कत होंगी ना, आपकी हर चीज़ में हेल्प करेंगे वो। तो उनका मैं कॉन्टैक्ट, एक उन्होंने मेरे को अपना गूगल फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल रहा हूँ, जैसे ही आप वो भरोगे वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और मतलब उन्हें पता है कि मेरे थ्रू आ रहा है, तो ज़्यादा कुछ चिक चिक होएगी भी नहीं आपको, बहुत सीमलेस प्रोसेस होएगा आपका। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, सबसे ऊपर उन्हीं की लिंक है, आप वो फॉर्म भरो अपना, जो भी आपको, एक तो आप ना अपने कॉलेज की रिसर्च खुद भी कर लेना, सब कुछ उनके भरोसे मत छोड़ना, वो आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे, लेकिन आपको भी अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, मैंने ये कॉलेज चूज़ करा है तो क्यों करा है, वो आपको हर कॉलेज में हेल्प कर देंगे, आप जो कॉलेज बोल रहे हैं मैं इस कॉलेज में जाना है, वो उस कॉलेज के एप्लीकेशन में आपको हेल्प करेंगे, लेकिन कौन से कॉलेज में जाना है ये इन द एंड आपका ही डिसीजन होएगा। तो कॉलेज वगैरह की रिसर्च एक बार खुद भी अच्छे से कर लेना, और बाकी वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह में और कॉलेज एप्लीकेशन में, वो तो हर स्टेप पे वो आपकी हेल्प करेंगे, लोन लेवाने में, हर चीज़ में, मतलब वो उनके पास हर चीज़ का एक्सपीरियंस है भाई, 25 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो रहा है उन्हें। तो ये एक बात हो गई, उनका फॉर्म सबसे ऊपर इस डिस्क्रिप्शन में, सबसे ऊपर होने का फॉर्म है, गूगल फॉर्म भर देना, उसके बाद वो आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे, अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे तो मेरे को बता देना, मैं उनसे बात कर लूँगा, आपसे बात कर लेंगे वो। बाकी एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, मैंने एक तो अपना डाउट क्लियरिंग सेशन रखा था भाई, कर लिया करो ज्वाइन, मेरे को काफ़ी लोगों के टेक्स्ट वगैरह आते हैं, स्टूडेंट इन आयरलैंड पे काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन रखता हूँ, इस वाले में अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे, सानने दी थी, मैं था, और काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर करे थे हम दोनों ने, मैंने क्या मुझे सानने दी क्लियर करते हैं, बिजनेस रिलेटेड डाउट थे, MSc फाइनेंस रिलेटेड, तो सानने दीदी ने बहुत हेल्प करी थी उसके, मतलब डाउट सेशन में सबके डाउट्स क्लियर करे थे। तो अगर आपको ऐसे डाउट सेशंस का पार्ट बनना है तो studentinireland.com पे किसी की भी प्रोफाइल पे जाके, लाइक जिससे आपको डाउट्स पूछना है उनका नीचे एक फॉर्म डला हुआ है, मैंने अब तो बता रखा है, studentinireland.com भाई देख लेना एक बार जाके। हाँ, तो वेबसाइट पे जिससे भी आपको डाउट पूछना है नीचे फॉर्म है, वहाँ पे डाल देना आपका जो भी डाउट वगैरह हो, और फिर मैं ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन रख देता हूँ, जितने लोग होंगे मैं रख लूँगा, ऐसा नहीं है कि अगर एक होएगा तो मैं एक के लिए भी रखूँगा, 10 है तो 10 के लिए भी रखूँगा। तो डाउट क्लियरिंग सेशन आप वहाँ से जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है जॉब कर रहे हैं, वो सारे लोग हैं उस पर, तो वहाँ पर आप अपना आराम से डाउट्स पूछ सकते हो उन लोगों से, और लाइव इंटरेक्शन वगैरह कर सकते हो, कुछ भी डाउट, माइनर से माइनर डाउट, आपको आना है नहीं आना, नाइट लाइफ कैसी है, कॉलेज कैसा है, कौन सा लैपटॉप है, कुछ भी पूछ सकते हो आप उनसे, तो ये भी है। और वहाँ पे एक बार देख लें studentinireland.com, कोई सामान वगैरह आपको खरीदना होता है, क्या क्या चीज़ होता है, वो सब है वहाँ पे, तो देख लेना एक बार। और गूगल फॉर्म की मैं लिंक सबसे ऊपर डाल रहा हूँ यहाँ पे, गूगल फॉर्म भर के कंसल्टेंट आपको सब कुछ बता देगा, वो कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो तो वो 3 जगह हैं, studentinireland.com, कमेंट सेक्शन, studentinireland का इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है, चलो बाय।